कर दें यहाँ पे। तो फहरिस्त किसे कहते हैं? देखिए, एक मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे काफ़ी सारे पेजेस पर काम हुआ हुआ है, उन पे काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, और उन हेडिंग्स की मैंने बना रखी है यहाँ पे एक फहरिस्त। फहरिस्त से ये फ़ायदा होता है कि आप जिस टॉपिक पे जाना चाहते हैं वो उसके नाम में उसका नंबर आ रहा है, फिर आप उस टॉपिक पे कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ से क्लिक करेंगे और देखें उस टॉपिक पे आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोबारा पेज नंबर बनाने के लिए कंट्रोल के साथ जी का बटन दबाएंगे या गो टू की कमांड में पेज लेंगे, वन दबाएंगे, गो टू करेंगे तो दोबारा पेज नंबर वन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं कंट्रोल के साथ, सारे फहरिस्त के ऊपर आप जा रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फहरिस्त बनी कैसे, तो मैं आपके सामने अभी इस फहरिस्त को डिलीट कर देता हूँ। रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ पर जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके इसको कह देंगे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये देखें यहाँ पे फहरिस्त खत्म हो गई और अब मैंने डिलीट का बटन दबा के अपना सारा टेक्स्ट आपके सामने ऊपर ले गया। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको नज़र आ रहा है वो पेज डॉक्यूमेंट जिसमें तकरीबन 62 पेजेस पर काम हुआ हुआ है। और अगर बात की जाए टॉपिक्स की तो इसके अंदर टॉपिक है, व्यू में जाऊँगा, नेविगेशन पैन को एक्टिवेट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर पहले से मौजूद है। हम यहाँ से भी किसी भी टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने सारे टॉपिक मौजूद हैं और आपको कहा जाए कि फहरिस्त बना दो तो कितनी देर में बनाएंगे? तो इसका जवाब हो सकता है शायद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में बनेगा। हर टॉपिक को लिखना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल अमल हो जाता है इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम एक टेक्निक को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो आप फहरिस्त 1 सेकंड में बना लेंगे। टेक्निक सिर्फ इतनी है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएं और उसके अंदर जो टॉपिक आपने ऐड करने हैं उन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, सिर्फ आपने हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? जैसे कि ये वाला टॉपिक है तो आप नोट करेंगे ये हेडिंग वन में कन्वर्टेड है, और अगर हम आगे चलें इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ये वाला जो टॉपिक है ये भी हेडिंग वन में कन्वर्टेड है, और ये जो टॉपिक है ये भी हेडिंग वन में कन्वर्टेड है। तो जो टॉपिक आपने ऐड करने हैं वो हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, जिसमें चाहे कन्वर्ट कर लें। ये हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर आपका मेन टॉपिक है तो वो हमेशा हेडिंग वन में आएगा, लेकिन अगर उसके कुछ सब टॉपिक हैं तो वो हमेशा हेडिंग टू में जाएंगे, ठीक है, ताकि वो उसके इंडेंट होकर नजर आए। और अगर सब टॉपिक उसका भी है तो फिर आप उसको हेडिंग थ्री में डाल देंगे, सही। और फिर से मेन टॉपिक है तो उसको दोबारा से आप किस में डाल देंगे, हेडिंग वन में डालेंगे। टू में नहीं, मेन टॉपिक है ना, जो सेकंड होगा वो जाएगा आपका सब हेडिंग टू के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि यहां पर अगर अभी तो जो टॉपिक वो ऑलरेडी हेडिंग में है, अगर मैं कोई टॉपिक ऐड करता हूं तो उसका क्या होगा? तो मैं यहां पे एक टॉपिक ऐड करता हूं, सपोज टू बी यहां पे, और ये टॉपिक हम ऐड कर रहे हैं पेज नंबर 10 पर, और ये टॉपिक अभी हमारी उसमें शामिल नहीं है। टॉपिक क्या है, ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। ऐसे लिखने के बाद अगर आप इस टॉपिक को सिलेक्ट करके यहां से बोल्ड करेंगे और फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे तो इससे ये हेडिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक हेडिंग वन नहीं करेंगे। उसके बाद भले आप इसका कलर चेंज करें, फॉन्ट चेंज करें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको इस तरह से एक ऐड कर दिया टॉपिक कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। और अगला टॉपिक मैं ऐड करने जा रहा हूं यहां पर, और इसमें मैं लिख रहा हूं एआई रिप्लेसिंग जॉब्स। तो सिलेक्ट करते हैं यहां से और सिलेक्ट करते हैं हेडिंग वन में, और इसको भी यहां से बोल्ड इटैलिक कर देते हैं। अब इसकी फहरिस्त कैसे बनाएंगे? तो मेरे सारे टॉपिक हेडिंग्स में कन्वर्टेड है। अब मैं यहाँ पहली लाइन से पहले कर्सर रख के एंटर करूंगा, एक लाइन का गैप आएगा, यहाँ क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाके यहाँ से जैसे ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाके देखेंगे कि आपको एक ब्लैंक पेज शुरू में मिल जाएगा। अब आप उस शुरू वाले पेज पे क्लिक करें और यहाँ से जाके पहले नॉर्मल व्यू कर लें, फिर रेफरेंसेज में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें। 3 स्टाइल है, कोई भी एक स्टाइल चूज कर लें, ये आपको सारे टॉपिक्स की फहरिस्त जिसको आप इंडेक्स कह रहे हैं बाय पेज नंबर बना के दे देगा खुद ही। और आपके टॉपिक देखें पेज नंबर 10 पे जो हमने टॉपिक ऐड किया था क्रिकेट टीम जाना हो जैसे कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप आ गया। अब इधर जाना है तो इस पे कंट्रोल का बटन दबाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और आप इस टॉपिक पे स्विच हो जाएंगे। कंट्रोल जी दबाएंगे, पेज नंबर 1 डालेंगे, एंटर करेंगे तो पहले पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, मिसाल के तौर पे ये ऐड करने के बाद फिर आपने कोई बीच में एक और टॉपिक ऐड कर दिया, मिसाल के तौर पे वो टॉपिक यहाँ पे आपने ऐड कर दिया समस्त भी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो इसको सिलेक्ट करके हमने ऐसे यहाँ क्लिक किया, होम में गए, यहाँ से हेडिंग वन में कन्वर्ट किया तो ये हेडिंग वन में कन्वर्ट हो गया और ये टॉपिक ऐड हो गया। अब ये टॉपिक आपका पेज नंबर 20 पे है और अभी आपकी फहरिस्त में ऐड नहीं है, ठीक है।
नहीं, समय क्या करना है, हर दफा जो नया टॉपिक है अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल और ओके करना है, तो जैसे अपडेट होगा तो वो टॉपिक देखिए इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सर इसमें टेबल बनाने के लिए हेडिंग देना जरूरी है? हेडिंग में वो टॉपिक जो भी आप ऐड करेंगे वही इसमें ऐड हो सकेगा, दूसरा टॉपिक नहीं हो अगर सकेगा। एडिट करेंगे तो नहीं होगा, नहीं वो नहीं हेडिंग होगा, देना जरूरी वो होगा। हेडिंग में स्टाइल में कन्वर्ट करना होगा। और जब भी ख़त्म करना हो तो यहाँ से जाके इसको रिमूव कर रिमूव सकते हैं करेंगे। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट करके, जो आप बीच में डॉटेड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आप डैश यूज़ कर लें डॉट के अलावा, तो यहाँ पर डैश आ जाएंगे, ठीक है, और बाद भी दो डॉट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप फहरिस्त बना सकते हैं, इसी तरह से आप इमेजेस की फहरिस्त भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इमेजेस की फहरिस्त? देखें आपने क्या करना है, जिस इमेज को फहरिस्त में डालना है ना आपने वो इमेज बनाना है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, शेप हो इमेज हो वट एवर जो भी है, और उस पर जाके रेफरेंस पे क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लेबल मिल जाएंगे, इमेज फोटो टेबल इक्वेशन, इनमें से कोई लेबल समझ में नहीं आता तो अपनी मर्जी का लेबल ऐड करा लें। तो मैंने जैसे इसके लिए ऐड करा लिया इमेज वाला लेबल, तो यहाँ से क्लिक किया मैंने इमेज पे, और जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन जिसको हम कैप्शन कहते हैं टेक्स्ट का, वो लिख के जैसे आप ओके करेंगे तो वो यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ से लिया इंसर्ट और एक शेप लिया और इसमें सेट किया इसको थोड़ा सा, और यहाँ से क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, यहाँ से चले गए डॉक्यूमेंट्स में, लेटेस्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे, और यहाँ से रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन किया, यहाँ से मैंने इमेज लिया, ठीक है, ओके ये हो गया। अब इनकी फहरिस्त कैसे बनाएंगे? इनकी फहरिस्त बनाना भी आसान है, आप पहले वो स्पेस निकालने मिलेंगे जहाँ पर आपको ये फहरिस्त बनानी है, जैसे इसके नीचे बनानी है, यहाँ पे रख के आप आएंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जिस लेवल पर आपने वो ऐड कराया है वो आपने यहाँ पे चूज करना है, वो इमेज भी हो सकता है, वो फोटो भी हो सकता है, वो इक्वेशन भी हो सकता है, क्लिक करेंगे ओके करेंगे, ये लीजिए उसकी फहरिस्त भी बन गई। और अगर आपने दो ऐड किए हुए हैं मतलब दो टॉपिक है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स सेकेंड वाला फिर आपने यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, इसकी कोई एंट्री नहीं है और टेबल की कोई एंट्री है, टेबल की भी कोई एंट्री नहीं है, तो जिसकी एंट्री नहीं होगी फिर वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। और इसको भी अपडेट करना हो तो यहाँ पे अपडेट टेबल और अपडेट इंटायर टेबल कर सकते हैं। अब इधर भी इमेजेस पे जाना है तो कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करेंगे, आप उसके कैप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं, कोई भी थीसिस बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्लानर बना रहे हैं, तो बच्चों को पहले से ही ये सारी चीज़ें करके रख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे, तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे डेस्कटॉप पे अगर आपने पीडीएफ फाइल पे इसको कन्वर्ट भी कर दिया है, तो मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से सेव करता हूँ, पब्लिश करा देता हूँ, यस कर देता हूँ, तो ये मेरी वर्ड की फाइल अलग हो गई और इसकी पीडीएफ फाइल अलग से बन गई। यहाँ के मैं इसको सेव करके क्लोज कर देता हूँ, ये आ गई मेरी पीडीएफ फाइल। इस पीडीएफ फाइल को जब भी आप खोलेंगे ब्राउजर पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फेरिस जो है इस तरह से ये आ गई है, और इस पर भी फेरिस वैसे ही काम करेगी जैसे वर्ड पे कर रही थी, कंट्रोल का बटन दबा के यूजर जैसे ही क्लिक करेगा उस टॉपिक पे पहुंच जाएगा, बल्कि इसमें कंट्रोल के बगैर ही काम हो जाएगा डबल क्लिक से। क्रोम में काम करेगी, क्रोम में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, जिसमें चाहे। सर ये इसको जो लास्ट में आ रहा है ये पेज नंबर, सर मोबाइल